यहाँ इंटीग्रल निकालना है, देखिए क्या है, एक्स का पावर माइनस वन बाई थ्री, ठीक है ना जी, और प्लस में रूट एक्स प्लस में टू, और बाई में क्यूब रूट ऑफ एक्स। चलिए देखते हैं, एक्स का पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस एक्स का पावर वन बाई टू प्लस का टू, और बाई में है एक्स का पावर वन बाई थ्री, ठीक है, क्यूब रूट है तो वन बाई थ्री, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो एक्स का पावर माइनस वन बाई थ्री, नीचे एक्स का पावर वन बाई थ्री, प्लस एक्स का पावर वन बाई टू बाई में एक्स का पावर वन बाई थ्री, और प्लस टू बाई में एक्स का पावर वन बाई थ्री, थ्री है नीचे। चलिए अब इसके बाद अलग अलग यहाँ सेपरेटली कर देते हैं, तो यह हो जाएगा इंटीग्रल, अब ये डिवाइड करेंगे, एक्स का पावर माइनस टू बाई थ्री, अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस इंटीग्रल, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स का पावर वन बाई सिक्स प्लस टू बाहर आ जाएगा, एक्स का पावर माइनस वन बाई थ्री का इंटीग्रल। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या, पावर में वन ऐड कर देंगे तो वन ऐड करेंगे वन बाई थ्री आ जाएगा, नीचे वन बाई थ्री, ठीक है ना जी। चलिए फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे देखिए पावर में वन ऐड करेंगे तो एक्स का पावर सेवन बाई सिक्स, और बाई में सेवन बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्लस, यहाँ पर टू ऐसे ही है, एक्स का पावर यहाँ पे वन ऐड करेंगे तो टू बाई थ्री, और नीचे आ जाएगा टू बाई थ्री, और प्लस में से, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा थ्री एक्स का पावर वन बाई थ्री प्लस का सिक्स बाई सेवन एक्स का पावर सेवन बाई सिक्स प्लस का, ये टू से टू कैंसिल, थ्री बच जाएगा थ्री एक्स का पावर टू बाई थ्री, और प्लस में से ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया, नेक्स्ट देखते हैं।